मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। मूत्र वेग कभी भी रोकने की कोशिश ना करें। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मूत्र आना ही चाहिए या शरीर सिग्नल दे रहा, तुरंत उस वेग को निकालिए। और मैं अब आपको आधुनिक विज्ञान कहता हूं, पहले बागवती जी की बात करें, वो कहते हैं कि ये मूत्र वेग को कभी भी रोकेंगे तो रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे, रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे। अब मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कभी किया था कि मैं मूत्र का वेग रोकूं फिर देखूं क्या होता है, तो तुरंत मैंने महसूस किया कि शरीर पर दबाव बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया शरीर पर, शरीर के हर हिस्से पर प्रेशर बढ़ गया। फिर मैं तो मरीज का इलाज भी करता हूं, तो बहुत मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको पेशाब नहीं आ रही है, तो सबसे ज्यादा तड़प उनकी जिंदगी में मैंने तभी देखी है जब उनकी पेशाब रुक जाती है, मूत्र रुक जाता है। वो कहते कुछ भी करो ये रिलीज करो, क्योंकि ये रोकना ठीक नहीं है, इसलिए मूत्र के वेग को नहीं रोकें। इसमें हर तरह से दबाव शरीर पर पड़ेगा, सब तरह की ग्रंथियों पर दबाव बढ़ेगा, रक्त पर दबाव बढ़ेगा, हर तरह से दबाव बढ़ेगा। तो मूत्र को रोकने की कभी भी कोशिश ना करें, जब आए तब जाएं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जी बार बार मूत्र आए तो, हर 10 मिनट में आए, हर आधा घंटे में आए, और एक दो बूंद आए फिर नहीं आए एक दो, तो आप समझिए कि कोई बीमारी के शिकार हैं आप। अगर खुलकर पूरा मूत्र आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन रुक रुक के आ रहा है, दो तीन बूंद आया फिर रुक गया, फिर दो तीन बूंद आया, तो आप बीमारी के शिकार हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी विशेषज्ञ की मदद लें, वो जो 15% वाला हिस्सा है ना, वो यही है। ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ की मदद लें और वो आपको मदद कर दे मूत्र को निकालने में, तो बहुत अच्छा है। दवा की मदद से, औषधि की मदद से ये बहुत आसान है, बहुत संभव है, बहुत आसान है, बहुत संभव।